बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह मूली के पराठे बनाएंगे। आटा छान के रखा है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और आसा घी डाल रही हूँ, क्रिस्पी से बन जाए। फिर इस आटे को गूंद के ना गर्म पानी के साथ कुछ देर के लिए रख देती हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह आटे को थोड़ा सा करें ना रगड़े। तो ये देखें, ये आटा, आटे में घी मिक्स कर लिया है, अब गरम पानी डाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो ना। तो ये देखिए, ये आटा मैंने गूंद लिया है, अब इसको मैं प्लेट में ना रख देती हूँ। अब बाकी चीजें तैयार करते फिर पराठे बनाते हैं। ये देखें, मूली को आप देखें इस तरह, ये देखें, ये मूली मैंने छीली है ना, छिलके उतार दी है, तो उसके बाद ये कर रही है इस तरह, ये देखें। मूली हो गई है, अब इसमें बाकी मसाले डालते हैं। ये हरे प्याज और सब्ज धनिया, ये सूखे प्याज थोड़े से, और ये हरी मिर्चें, सूखा धनिया, धनिया पाउडर पिसा हुआ धनिया, धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, मिर्चें डली हुई ये तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये हल्दी थोड़ी सी, बस सिर्फ जायके के लिए, इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी सिर्फ जायके के लिए। अब इसको मिक्स करती हूँ सब मसाले। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, मसाले मिक्स हुए हैं। ये देखिए, आप आटे के पेड़े बना रहे हैं ना पराठों के लिए, पराठे बनाते हैं साथ थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के ना इधर रख देते जी। अब मैं इनको बेलती हूँ, इसके साथ ना खुश्क आटा लगाए ताकि ये चिपके नहीं जी। ये देखे, ये मैंने 2 पेड़े बेल लिए हैं, मसाला डालती हूँ। ये देखिए, जो मूली का मसाला बनाया था ना, ये देखिए इस तरह फैला के ना इसमें डाल दें जी। ये देखे, जो मैंने बेला था ना पहले, वो इसके ऊपर रख देती हूँ इस तरह। देखिए इस तरह इसको चिपका देना, मेरे आपके साथ मसाला था, ये इसके ऊपर लग गया। ये अच्छी तरह इसको चिपका दे ताकि ये खुले नहीं कोने में। अब इसको थोड़ा सा और बेलें। अब ये डबल पराठा बन गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क लगाती हूँ। ये देखिए, ये पराठा बेल लिया मैंने, डालती हूँ ये तवे पे। घी मैंने ऊपर डाल दिया था, ये साइड भी हो गई ये पराठे की, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है पराठा, मूली का पराठा। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। ये अब इसको उतारती हूँ। ये देखिए, ये पराठा मैंने बेल लिया, अब इसके ऊपर मसाला डालती हूँ, ये देखिए इस तरह मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर दूसरा साइड इसका डाल दें, इस तरह इसको चिपका दें, इसके ऊपर डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऐसे करूं ताकि घी साइडों पर घी इसके चला जाए। तो इस तरह करूं ताकि इसके नीचे आ जाए, अच्छा Thank you.
ये देखिए ये माशाल्लाह पराठे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गरम गरम पराठे माशाल्लाह। ओके अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। दुआ में याद रखना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ओके अल्लाह हाफिज़।